हेलो जी गाइस पीपल, अगर आपको इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय पकौड़े मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। भारत के कई राज्य हैं जहां ठंड का कहर जारी है, जहां टेम्परेचर 0 के आसपास तक पहुंच गया है। और इस ठंड के मौसम में आलस आना तो आम बात है। कभी कभार मन तो ऐसा करता है कि बेड पर जाकर बैठ जाए और कुछ काम ना करें और गर्मा गर्म खाना हाजिर हो जाए। हमारा भी कभी कभार वीडियो बनाने का मन नहीं करता, लेकिन आप सभी जिज्ञासु लोगों के सपोर्ट को देखकर वीडियो बनाने का मोटिवेशन जग जाता है। कई लोग ठंड के मौसम में परेशान हो जाते हैं, ऐसे में सोचिए दुनिया के उस जगह के बारे में जहां तापमान -50 के आसपास तक पहुंच जाता है और वहां लोग किस तरह रहते होंगे। इसलिए आज हम जानेंगे वर्ल्ड के कोल्डेस्ट प्लेसेस और वहां पे लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे उसके बारे में। वैसे तो दुनिया में इतनी ठंड कई जगहों पर पड़ती है, आज हम आपको रूस की एक जगह याकुतिया के जरिए बताते हैं कि इतनी ठंड में लोग किस तरह रहते हैं और वहाँ कितनी ठंड पड़ती है। दरअसल यहाँ तापमान -40 डिग्री रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि तापमान नीचे गिरकर -55 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। यहाँ होने वाली सर्दी का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं, जितनी ठंडी आपके फ्रीजर में होती है उससे भी दोगुना ठंडी यहाँ पड़ती है। इसे दुनिया का सबसे ठंडा सिटी कहा जाता है। वैसे तो यहाँ के लोगों को यहाँ के मुश्किल मौसम में रहने की आदत है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ के लोग जब बाहर निकलते हैं तो इनकी आँखों की पलकों पर भी बर्फ जम जाती है। यहाँ तापमान -40 डिग्री से कम जाना तो काफ़ी आम बात है, लेकिन जब 55 डिग्री से भी कम हो जाता है तो बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। इतनी ठंड है कि यहाँ की नदियाँ भी जम जाती है और उस पर आसानी से भारी भरकम ट्रक चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग सिर्फ घरों में ही रहते हैं जबकि अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करते हैं। जैसे जब क्रिसमस आती है तो इसके जश्न के लिए लोग लंबे समय तक इंतजार करते हैं और क्रिसमस की ठंड में काफ़ी मज़ा करते हैं और पूरे जश्न को मनाते हैं। इस वक्त यहाँ तापमान काफ़ी कम हो जाता है लेकिन लोग आसानी से घूमते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें यहाँ एक तरह से फ्रोजन आइटम ही हो जाती है। वैसे लोग रात में निकलना कम पसंद करते हैं और हमेशा गर्म कपड़े पहने नजर आते हैं, लेकिन इस ठंड में भी वे आसानी से और आराम से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब इन लोगों की इस तापमान में जीने की आदत हो चुकी है और इस मौसम के हिसाब से उनकी लाइफ स्टाइल तय रहती है। अगर आप वहाँ एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हो तो इससे पहले ये देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, वहाँ पर आपको खाना फ्रोजन फॉर्म में मिलेगा और पानी मिलना भी मुश्किल होगा क्योंकि सारी नदी जम जाती है। अगर आपको पानी मिल भी जाता है तो, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि बर्फ के कई फीट लेयर के नीचे ही आपको पानी मिल पाएगा। बस इतना ही नहीं, वहाँ आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकता है। इतने ठंडे मौसम में फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट में स्किन और स्किन के नीचे वाली टिश्यू जम जाती है। ये ज्यादातर खुले अंगों को प्रभाव करता है, जैसे हाथ और पैर की उंगलियां, नाक, कान। इसमें स्किन पीली, ठंडी और सुन्न पड़ जाती है और गंभीर मामलों में अंग काटने की नौबत भी आ सकती है। बस इतना ही नहीं, इतने ठंड में हार्ट अटैक एंड अस्थमा जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए इतने ठंडे जगह पर तभी जाना जब आप खतरों के खिलाड़ी हो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने जिज्ञासु दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।